Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is our way of learning. Today we are going to learn parts of plant. Like human being, plant also have different parts. These part of plants help them grow, survive and reproduce. Parts of plant. There are different parts of plant. First one is flower, इसे हम हिंदी में फूल कहते हैं. Second one is leaf, इसे हम पत्ता कहते हैं. Third one is root, इसे हम जड़ कहते हैं. Fourth one is stem, इसे हम तना कहते हैं. And fifth one is फ्रूट, फल, इसे हम फल कहते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज शूट सिस्टम एंड व्हाट इज रूट सिस्टम. रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. शूट सिस्टम को हम प्ररोह प्रणाली कहते हैं और रूट सिस्टम को हम जड़ प्रणाली कहते हैं. वी आर डिवाइडेड द प्लांट इंड्यूस टू सिस्टम, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. व्हाट इज शूट सिस्टम? ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर अबव द सॉइल आर कॉल्ड शूट सिस्टम, which are flower, leaf, seed, stem and fruit. पौधों के सभी भाग जो मिट्टी के ऊपर होते हैं प्ररोह तंत्र कहलाते हैं, जैसे फूल, पत्ती, बीज, तना इत्यादि. रूट सिस्टम. पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट आर बिलो द सॉइल आर कॉल्ड रूट सिस्टम एंड इट इज रूट. पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे होता है वह जड़ प्रणाली कहलाता है. इसमें कौन से आते हैं? इसमें इसका अच्छा उदाहरण जड़ है. द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड वाटर टू द स्टेम एंड लीव्स. पौधे की जड़ प्रणाली तना और पत्तियों को लगातार पानी प्रदान करती है. You know, leaves are also known as the kitchen of plant. तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, which is known as the kitchen of plant. तो we know that leaves are also known as the kitchen of plant. Now, next one, root. What is root? Root क्या है? Root grows under the ground so they cannot be seen from outside. जड़ जमीन के नीचे उगती है इसलिए इसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं. Root hold plants firmly in the soil. जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रहती है. They absorb water and minerals from the soil. वे मिट्टी से खनिज और जल अवशोषित कर लेती है. They help the plants to stand up even if there is a strong wind. तेज हवा के चलने पर भी जड़ पौधों को खड़े होने में मदद करती है. Root move down into the earth in search of water. जड़ क्या करते हैं? पानी की तलाश में जमीन में उतरते जाते हैं. कैरेट, गाजर, मूली, रेडिस एंड बीटरूट, चुकंदर, ये कुछ ऐसी जड़ी हैं जो खाने योग्य हैं. कैरेट, रेडिस, बीटरूट, समार, इडेबल रूट्स. टाइप ऑफ रूट्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ रूट. रूट कितने प्रकार के होते हैं? रूट को हम जड़ कहते हैं. रूट दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट को हम हिंदी में
रिश्तेदार जड़ कहते हैं। What is fibrous root? Some plants have many small roots growing from the end of the stem. These roots are called fibrous root. Grass and wheat have fibrous root. कुछ पौधे में कई छोटी जड़ें होती हैं, जो तने के सिरे से निकलती हैं। इन जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है। घास और गेहूं में रेशेदार जड़ होती हैं। And second root is tap root. Tap root को हिंदी में मूल जड़ भी कहते हैं। Some plants have a thick root growing into the soil. Several thinner roots grow formed from the thick roots. This main thick root is called tap root. Mango and neem tree have this type of root. कुछ पौधों की जड़ें मोटी होती हैं, जो मिट्टी में उतरती हैं। इन मोटी जड़ों से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं। इस मुख्य मोटी जड़ को हम टैप रूट कहते हैं। आम और नीम इन पेड़ों के उदाहरण हैं। आम और नीम के पेड़ों में इस तरह की जड़ होती है। स्टेम, तना। तना क्या है? The stem is the main part of the shoot. तना प्ररोह का मुख्य भाग होता है। The stem help the plant to stand erect. तना पौधों को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। It carries water and minerals from root to the other parts of the plant. यह पानी और खनिजों को जड़ से पौधों के अन्य भागों में ली जाता है। Plants like sweet potatoes and sugar cane store food in their stem. शकरकंद और गन्ने जैसे पौधे अपने तनों में भोजन को जमा करते हैं। And next part of the plant is leaves. Leaves को हम पत्तियां कहते हैं। What is leaves? Leaves are the most important part of the plant. Different plant have leaves to different shape and size. पत्तियां एक पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। विभिन्न पौधे में अलग अलग आकार और आकृति की पत्तियां होती हैं। The leaves of nearly all plants are green in color. Leaves contain a green pigment called chlorophyll, which help them to make their foods. लगभग सभी पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक हरा रंग का द्रव्य होता है, जो उन्हें अपना भोजन बनाने में मदद करता है। Leaves prepare food for the whole plant, so they are also called the food factory of the plant. The process by which plant make their food in the presence of air, water and sunlight is called photosynthesis. पत्ता पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करता है, इसलिए उन्हें पत्तों का खाद का कारखाना भी कहा जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। Leaves exchange gases through tiny pores present on the underside of the leaves called stomata. पत्तियां पत्तियों के नीचे की ओर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा को हम यहाँ पे हिंदी में रंध्र कहते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लीव्स लाइक मिंट एंड स्पेनिश स्टोर फूड इनसाइड देम। पुदीना और पालक जैसे पत्ते अपने अंदर भोजन जमा करते हैं। नाउ
नेक्स्ट वन इज फ्लावर, पुष्प. द बड ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट चेंज इनटू अ फ्लावर. पौधे की तने पर जो कली होती है फूल में बदल जाती है. फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज. फूल पौधों का सबसे आकर्षक और सुंदर हिस्सा होते हैं. वे विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों के होते हैं. अ फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट. एक फूल से फल बनता है. फ्रूट्स. अ फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट. फूल फल में परिवर्तित हो जाता है. फ्रूट्स आर द जूसी एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम. फल पौधों का रसदार और गुद्देदार भाग होता है. फलों के अंदर बीज होता है. द नंबर ऑफ द सीड इन डिफरेंट फ्रूट्स इज डिफरेंट. विभिन्न फलों में बीजों की संख्या अलग अलग होती है. मैंने अभी अनार की इमेज दिखाई जिसमें पहले इसका फूल और फिर फल और इसके बाद फल के अंदर मौजूद बीज को दिखाया. लेकिन विभिन्न फलों में बीजों की संख्या अलग अलग होती है. जैसे अनार में बहुत ज्यादा होती है, आम में कम होती है, किसी में नहीं होती है. तो ये बात हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ द सीड्स इन डिफरेंट फ्रूट इज डिफरेंट. सीड्स. सीड को हम हिंदी में बीज कहते हैं. अ सीड हैज ए प्लांट इनसाइड इट. बीज के अंदर एक पौधा होता है. व्हेन अ सीड गेट इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जब पौधे, जब बीजों को पर्याप्त हवा, पानी और गर्मी मिलती है तो वो एक नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं. इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं और अंकुरण को ही हम इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं. ये इमेज आपको जर्मिनेशन की प्रक्रिया को दिखा रहा है. सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. बीज एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस टॉपिक. What are the fibrous root? रेशेदार जड़ क्या है? Some plants have many small roots growing from the end of the stem. These roots are called fibrous root. कुछ पौधों में कई छोटी जड़ें होती हैं, जो तने के सिरे से निकलती हैं. इन जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं. What is function of chlorophyll? क्लोरोफिल का कार्य क्या है? अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू मेक देयर फूड. क्लोरोफिल पत्तियों को अपना भोजन बनाने में मदद करती है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र. रंध्र क्या है? व्हाट इज स्टोमेटा? टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. पत्तियों के नीचे की ओर मौजूद छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं. नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज जर्मिनेशन? अंकुरण क्या है? व्हाट इज जर्मिनेशन? The process by which seed grow into a new plant in the presence of air, water and warmth in is called germination. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बीज, हवा, पानी और गर्माहट की उपस्थिति में एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, उसे अंकुरण कहते हैं. What are the function of flower? फूलों के कार्य क्या हैं? What are the functions of flower? A flower grows into a fruit. फूल से फल बनता है.
and second one is flower like cauliflower and broccoli are edible. फूल गोभी और ब्रोकली जैसे फूल खाने के योग्य होते हैं. Now we will take some another question, that is give reason. हमें रीजन बताना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका रीजन क्या है. एंड इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू नो दैट नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड्स. जो पौधे हरी नहीं होते वे अपना भोजन नहीं बना सकते. क्यों, ऐसा क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड. नॉन ग्रीन प्लांट कैन नॉट मेक देयर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दीज लीव्स. गैर हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है. इट्स अ वेरी सिंपल. सेकेंड वन, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. वाई, व्हाट इज द रीजन, पत्तियां पौधों की खाद फैक्ट्री क्यों कहलाती हैं? Leaves are called food factory of plant because they prepare food for plant. क्योंकि वो पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं, इसलिए वो पौधों की खाद फैक्ट्रियां कहलाती हैं. Seeds are an important part of the plant. Seeds plant का important part क्यों है? It's very simple. Anyone can tell me? Okay, I will tell you. Seeds are important part of plant because it help in the grow of new plant. बीज पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये नए पौधे के विकास में मदद करती है. मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है ताकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा सकूं. अगर आपको ये समझ में आ गया और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.